جورنچ یاتار پکنارگیو پکان روزیو پکان روزیو بھارت جورنچ یاتار پکنارگیو پکان روزیو پکان روزیو بھارت جورنچ یاتار پکنارگیو साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का हेलो हेलो या आज भारत जोड़ो यात्रा का 134वां दिन है। उसके बारे में मैं पीसीसी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा, वो आपको जानकारी दें। कल तक यानी कि 29 तारीख के शाम तक भारत जोड़ो यात्रा करीब 4,080 किलोमीटर कवर करेगा। कल शाम तक यानी कि कल शाम चलना हम बंद करेंगे। 30 तारीख को हम चलेंगे नहीं, 30 तारीख को 10 बजे यहाँ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगा राहुल जी के हाथ पर। और 136 दिन लगे हैं, उसके बीच में 9 दिन का ब्रेक था दिल्ली में, पर 136 दिन लगे हैं इस 4,080 किलोमीटर करने के लिए। हमारे देश के अलग अलग राज्यों के, पहले से तमिलनाडु में शुरू हुआ, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर पंजाब और वहां से जम्मू एंड कश्मीर, कुल मिलाकर 75 जिले से हम गुजरे हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुआ है हमारे देश का, जिसमें से 5 जिले जम्मू के हैं और 5 जिले कश्मीर में हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुल मिलाकर 4,080 किलोमीटर कवर हुआ है। 136 दिन में से 116 दिन चलने का दिन था, और जब हम चलते थे औसत के तौर से रोज 23-24 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा चलता था। आप जानते हैं, कल दोपहर को 3 बजे राहुल जी प्रेस को संबोधित करेंगे, करीब 1 घंटे का होगा क्योंकि ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा अधिक समय हम लेंगे उसमें ताकि आप लोगों के सवाल का भी जवाब दिया जाए। और परसों 10 बजे यहाँ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगा पीसीसी ऑफिस में, और 11:30 बजे से करीब 1 बजे तक जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको निमंत्रण दिया था समारोह के आने के लिए, वो रैली होगा, उसके बारे में भी हमारे पीसीसी अध्यक्ष आपको अवगत कराएंगे। मैं विकार रसूल जी को निवेदन करूंगा कि वो आपको आज के जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, आज आपने देखा होगा कल के हादसे के बाद प्रशासन की ओर से काफी मजबूत कार्रवाई की गई थी, पर उसके बावजूद हजारों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवक, समाज के हर वर्ग सड़क पर खड़े थे, आए थे, और भरपूर और बहुत उमंग भरा स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी जी का किया। पीसीसी अध्यक्ष आपको आज के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहेंगे। हेलो, थैंक यू जयराम रमेश जी, हमारे जो मीडिया के इंचार्ज है ऑल इंडिया के, हमारी रजनी पाटिल जी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, ऑनरेबल एमपी भी हैं,
गुलामद मीर साहब, फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, चेयरमैन मीडिया डिपार्टमेंट एआईसीसी पवन खेरा जी, हमारे भारत सोलंकी साहब, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, नईम अफजल साहब, स्पोक्समैन हैं एआईसीसी के, मनोज यादव जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, को इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, रविंदर शर्मा जी हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन, इनका नाम अच्छा सॉरी विनीत पुनिया जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम आपको बुलाते हैं और आप हमेशा हमारी गुजारिश पे अपने कैमरा और पूरा सिस्टम लेके पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जैसा आपने देखा कि कल हजारों की तादाद में जो कल सुबह से शुरू हुआ था प्रोग्राम बनिहाल में भी और उसके बाद काजीगुंड में, किस तरीके से लोग विदाउट एनी गाड़ियां, किसी कोई भी हमने चीज लोगों को नहीं दी थी कि लोगों को लाया नहीं गया था, लोग खुद आए थे और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आए थे और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस कम पड़ गई थी। मैंने ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो है ही, वो का इसलिए पड़ा शायद गवर्नमेंट को पता नहीं था कि इतनी तादाद लोगों की आएगी, तो उसके बाद यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा मजबूरन। तो आज जो सुबह से यात्रा शुरू हुई, टोटल 13-14 किलोमीटर की यात्रा थी और आपने देखा कि इतना स्ट्रिक्ट जो है पूरे रोड्स जो है बंद किए गए थे, ट्रैफिक सारा बंद किया गया था, लोगों को काफी दूर से आना पड़ रहा था, उनकी मुश्किलें थी और हमें फोन भी आ रहे थे लगातार कि हमें छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से निकले, औरतें बच्चे और खासकर हमारे यंग यूथ नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो राहुल जी चले, महबूबा जी का शुक्रिया, उन्होंने भी यात्रा में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी भी शामिल हुई। तो बहुत ज्यादा भीड़ है, तो मैं ये कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों का, पहले तो पूरे हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेके जो जम्मू कश्मीर तक लोगों ने स्वागत किया, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में भीड़ ने, हर तबके ने, हर नस्ल रंगो नस्ल ने राहुल जी का जितना स्वागत किया, मुझे लगता है दुनिया में इतना स्वागत किसी का नहीं हुआ होगा। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे लखनपुर से लेके जम्मू तक कंटिन्यूअसली यात्रा चली, कहीं भी एक जगह भी हमने गाड़ी में यात्रा नहीं चलाई, कंटिन्यूअसली लखनपुर से लेके सतवारी तक हम लगभग 100 किलोमीटर चले और इतना जबरदस्त रेस्पॉन्ड मिला लोगों का, इतना भारी रिसेप्शन मिला। और उसके बाद नगरोटा भी वैसा ही, उधमपुर भी, रामबन भी, बनिहाल से लेके फिर काजीगुंड में आपने देखा कि इतना मजमा, और आज लोग खेतों में दौड़ रहे थे, औरतें दौड़ रही थी, हमारी महिलाएं दौड़ रही थी, इतना जबरदस्त रिसेप्शन मिला। तो मैं ये कहूंगा कि राहुल जी की जो ये भावर जोड़ो यात्रा है, इससे एक चीज क्लियर हुआ कि लोग सताए हुए हैं, लोगों को एक आवाज मिली जिसके साथ लोगों ने अपनी आवाज जोड़ी कि बेरोजगारी का तूफान है जम्मू कश्मीर में, बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो नफरत से ये लोग अपनी सियासत चलाते थे, मुझे लगता है अब वो दुकानें बंद करने का टाइम आ चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि लोगों का बहुत शुक्रिया। कल हमारा लास्ट डे है, लास्ट डे में पेंथा चौक से नेहरू पार्क तक यात्रा कल चलेगी और हमारे काफी लोग, चीफ मिनिस्टर भी आए हैं, उनमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे लीडर, जनरल सेक्रेटरीज जो हैं उसमें शामिल होंगे, एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जो हैं वो आएंगे हर स्टेट से, वो हिस्सा लेंगे उसमें और आप भी उसमें कवर करने के लिए आ जाए। तो मैं इन्हीं अल्फाज से शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का और आप प्रेस के साथियों का जिनने हमें बहुत अच्छा कवरेज दिया भारत और जोड़ो यात्रा में। थैंक यू वेरी मच जयराम जी। The thing is...
that you were talking about Monday, where opposition party leaders have been invited, but there are certain opposition parties like the SP, BSP, TMC who've already said they're not going to be seen and a part of that rally, they're not able to make it. Would you see that as a setback? No, absolutely not. I believe somebody from BSP is coming, I'm not entirely sure. But I don't see the absence of anybody who has been invited not being present. They may have other preoccupations. I know, for example, the president of the JDU, whom I have spoken to personally, is in Nagaland on his election campaign. So there are many people. Mr. Devegowda has written a letter to Mr. Rahul Gandhi expressing full support and appreciation for the Bharat Jodo Yatra, but expressing his inability to come personally. So I don't see this as a setback. First of all, let me make it absolutely clear that the function on the 30th is not a coalition building exercise. The function on the 30th was an invitation extended in good faith to like-minded political parties who we believe oppose the policies and the programs of the BJP. It is not to build a platform for 2024. It was, as I said, a courtesy that we extended to like-minded parties to come and take part in the formal conclusion of the Bharat Jodo Yatra is the flag hoisting ceremony at 10 o'clock in the PCC office at Lal Chowk. So the opposition conclave or the opposition parties who have been invited, they have been invited to take advantage of the ending of the Bharat Jodo Yatra. So I do not see this as a setback. After this will begin the process of political talks and political negotiations. Any opposition platform to defeat the BJP must be based on two realities. Reality number one, Congress must be the pivot or the fulcrum of any opposition alliance. Without the Congress, no opposition alliance is relevant or meaningful. Number two, any opposition alliance must be based on a constructive agenda, not just a negative agenda of anti-BJPism or anti-governmentism or anti-this government, anti-regime. It has to be based on a positive, constructive agenda. Now, this is not the business of the Bharat Jodo Yatra. The Bharat Jodo Yatra has nothing to do with elections. Now we will begin the process, presumably, of talking to different political parties. So the short answer to your question, I've taken some time because I know there is a view that is gaining ground that it is a setback. It is not a setback. It's natural. We invited them in good faith, but we believe that any attempt to build a meaningful, winning coalition against the BJP must be pivoted around the Congress. Sir, total kitni political, sir, vipaksh ke kitne, इधर सर कितनी आपने 23 पार्टियों को चिट्ठी लिखी थी उसमें से कितनी पार्टीज ने अग्री किया है? अभी तक नहीं है, कल मैं बता दूंगा आपको, कल शाम तक मैं आपको बता दूंगा। your
Recently, there was an order by the Revenue Department wherein the hoteliers, the people who had taken the properties on the lease, they were asked to relinquish their properties. One, and second, recently the fresh order about the encroachments, the eviction of the properties. How is Congress, you know, Congress analytics on these happenings as far as... Mr. Gandhi has replied to this question in Jammu. And I'm sure he will reply to this question tomorrow in Srinagar as well. Let me say that in the context of the Bharat Jodo Yatra, there are many political issues in Jammu and Kashmir of day-to-day concern. Now, the Bharat Jodo Yatra is not meant as a forum to address these day-to-day concerns. There are day-to-day concerns, there are larger concerns. But we believe, the Congress Party believes, and Mr. Gandhi has articulated this earlier, restoration of democratic process in Jammu and Kashmir is of utmost urgency and priority. Number one, the restoration of the status of a full-fledged state to Jammu and Kashmir is priority number two. It must engage the attention of those in Delhi. And there are issues of land, there are issues of jobs, which also need to be addressed through legal and other administrative measures. But all this has to be done only when the democratic process is restored fully and Jammu and Kashmir is once again a full-fledged state of the Indian Union, with Ladakh enjoying the constitutional powers under Schedule 6. The difference between a UT and a Schedule 6 area is that in a UT, the administration is in the hands of a joint secretary in the Home Ministry sitting in Delhi. But in a Schedule 6 area, which is empowered by the Indian Constitution, the elected representatives manage their own affairs. So this is all I will say today. You can ask this question again tomorrow of Mr. Gandhi. कोई भी मोर्चा जो है राजनीतिक मोर्चा अलायंस उस कांग्रेस के बिना जो है वो बेबुनियाद है. ये जम्मू कश्मीर में भी हमें देखने को मिलेगा कि पीडीपी और एनसी आपके साथ आकर ही चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ. गठबंधन के बारे में भारत जोड़ो यात्रा फोरम नहीं है गठबंधन के संबंधित मामलों के बारे में मुझे कुछ कहने का. सभी पार्टियों ने स्वागत किया है, पीडीपी ने स्वागत किया है, सीपीएम ने भी स्वागत किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो स्वागत किया है, फारूक साहब मौजूद थे, उमर साहब मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा में, महबूबा जी भी मौजूद थी. अलग अलग और भी अलग पार्टी जो जम्मू एंड कश्मीर में है उन्होंने स्वागत किया है. पर जैसा कि मैंने कहा, गठबंधन की राजनीति अलग है, भारत जोड़ो यात्रा चुनावी राजनीति से ऊपर हटकर है. यह विचारधारा की राजनीति के आधार पर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है. जो पार्टियां हमारा स्वागत कर रही हैं भारत जोड़ो यात्रा का, चुनावी मामले में और कोई रवैया अपना सकती है, मुझे मैं नहीं बोल सकता हूं इसके बारे में. पर अब आज के हालात में हमने कोई कोएलिशन या सीट शेयरिंग या अलायंस के बारे किसी भी पार्टी के साथ बात नहीं की है. भारत जोड़ो यात्रा का मकसद वो नहीं था. जयराम जी, मेरा सवाल, जयराम जी न्यूज नेशन से मोहित दुबे. सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि 4080 किलोमीटर की यात्रा कल तक राहुल गांधी पूरी कर लेंगे, 75 जिलों से गुजर चुके होंगे. इतनी बड़ी यात्रा आजाद भारत के बाद किसी राजनेता ने नहीं की है, जिसने भी की है उसको लाभ मिला है. तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी की एक कदम है और राहुल गांधी उस कदम की ओर आगे बढ़ चुके हैं? सभी तपस्वी अध्याय 2 भगवद गीता में जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को दिया था वो याद करते हैं, उनके मन में रहता है जब कोई काम करते हैं. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर
माते संघोस्त्व कर्मणि। समझे? हे अर्जुन, तुम्हारा हक है काम करने का, काम के नतीजे पर ध्यान मत दो। तुम्हारा अधिकार है काम करने का, तुम्हारा धर्म है काम करने का। हमारा धर्म है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, पर हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसका नतीजा क्या होगा, कितने सीटें आएंगी, क्या वोट शेयर बढ़ेगा, ये सब आप लोगों के लिए है। सर टुडे आज यात्री सर यहाँ से आज उन्हें कई टेलीफोन कॉल्स आई और भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को ज्वाइन होने के लिए नहीं अलाउ किया गया। इज इज द फ्रेश चार्ज अगेन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वन नमन सर, देयर इज अ रिपोर्ट इन फैक्ट ऑन अडानी ग्रुप, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखो, कोई इल्जाम नहीं लगाया हमने, हमने ये कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अरेंजमेंट्स थे आज वो अच्छे थे, लेकिन लोगों को रुकाया गया, सिक्योरिटी के बेस पे रुकाया गया, बाद में वो पैदल चल के आए और यात्रा में शामिल हुए। जो अरेंजमेंट्स थे वो कल के हिसाब से कल नहीं थे, आज अच्छे थे, वो तो हमने पहले ही जयराम रमेश जी ने क्लियर किया। थैंक यू। मीर साहब कुछ कहेंगे? ऑलरेडी सारी बातचीत हो गई है, जयराम जी ने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया भारत जोड़ो यात्रा का, और आज की यात्रा पर विकार साहब ने बता दिया। मेरे को भी आप में से बहुत लोग फोन करते हैं, जैसे आपने सवाल उठाया कि भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा है या जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या फायदा है, ये बहुत लोगों ने सुबह से सवाल उठाया। और उसके लिए जयराम जी ने कहा, एक तो कल राहुल जी फुल डिटेल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, सवाल जवाब लेंगे, जो कोई उस तरह का सवाल हो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा के जो उद्देश्य, जो इसका एजेंडा रहा, हम तो उसका हिस्सा हैं। नफरत को रोकना है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी तो जम्मू कश्मीर है। अगर कन्याकुमारी से आवाज उठी तभी तो इतनी भीड़, इतने लोग सड़कों पर आ रहे, उनको लग रहा है कि कोई हमारी आवाज लेकर 5.5 मिनट से चल के आ रहा है, उनको छू रहा है दिल को कि जिस हालात को हम फेस कर रहे हैं और यहां पर किसी को बात करने की इजाजत नहीं, उसी जज्बे को रिप्रेजेंट करते हुए राहुल गांधी जी आए। सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को वो है। दूसरा फायदा महंगाई, जब वो कह रहे हैं देश में महंगाई बढ़ रही है, गरीब का कमर टूट रहा है, क्या जम्मू कश्मीर अमेरिका है? क्या जम्मू कश्मीर में गरीब नहीं है? हम तो बाकी रियासतों के मुकाबले में ज्यादा गुर्बत है, परसेंटेज में 80% गुर्बत है। जब महंगाई बढ़ी तो उसका असर हम पर सबसे ज्यादा है। अगर राहुल गांधी जी वो महंगाई की बात उठा रहे हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की भी बात है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, बेरोजगारों को रोजगार दो, उन्होंने अपनी जबानी जम्मू में कहा, पूरे देश में बेरोजगारी है मगर सबसे ज्यादा परसेंटेज में 23% से ज्यादा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। यहां पर कोई और साधन नहीं हमारे नौजवानों को। और अगर कन्याकुमारी से 150 दिन राहुल गांधी जी ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते आए कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, क्या वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात नहीं कर रहे? तो इसलिए जब हम आते हैं पॉलिटिकल इशू पर, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, उस पर भी जम्मू में क्लियर किया राहुल गांधी जी ने, और हम लगातार 3-3.5 साल से आपको बता रहे हैं, 5 अगस्त के वाके को अनडेमोक्रेटिक हमने करार दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जम्मू कश्मीर के फैसले हुए, और उस पर 5 अगस्त के पार्लियामेंट के फैसले के बाद 6 अगस्त को कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, तमाम सीनियर लीडर थे, उसका एक रेजोल्यूशन पास हुआ। वो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए हुआ, उसमें विश्वास दिया गया, और यही वर्ड उसमें है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के सामने क्लियर किया कि गैर जमहूरी, गैर आईनी तरीके से फैसले लिए गए, और वो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का आज भी है। और जमहूरियत को बहाल करने की बात,
प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई पिछले साल, कांग्रेस पार्टी ने वहां एजेंडा दिया, वो एजेंडा लेस मीटिंग थी और डिबेट हुआ, एग्री हुआ था कि डिलिमिटेशन पहले होगा, इलेक्शन होगा, स्टेट की बात करेंगे, जबकि हमने रखा था डिलिमिटेशन के बाद पहले स्टेट वापस करो उसके बाद इलेक्शन कराओ। उनके 72 मिनिस्टर यहां आपके सामने घूम के जाते हैं, पिकनिक करके जाते हैं, देश को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हैं, जम्मू कश्मीर सब नॉर्मल, यहां तरक्की का दौर, यहां रोजगार का दौर, यह पूरे देश को सुनाया जाता है, मगर अंदर की हालत हमारी क्या है वो आप जानते हो और ये भारत जोड़ो यात्रा ने वो देखा। जयराम जी आपसे सवाल है मेरा, हाल ही में जयराम जी आपसे सवाल, सर एक मिनट, 1983 में हमारे देश के एक बड़े नेता जो प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा निकाला, पर वो भारत यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली तक की था, तो पहली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा निकाली गई है, पहली बार हुआ है ऐसा, यात्रा पहले एक ही बार हुआ था जो चंद्रशेखर जी का भारत यात्रा था और वो 3000 किलोमीटर कन्याकुमारी से दिल्ली तक ही था। हाँ जी हाँ, और सर हेलो सर 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 सॉरी अडानी के मामले में कल मैंने एक लंबा वक्तव्य दिया है, लंबा स्टेटमेंट रिलीज किया, वो आपने पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, आपके सारे सवाल का जवाब उस स्टेटमेंट में। जयराम जी आपसे सवाल है मेरा, सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो एनसी और पीडीपी ने आपका साथ दिया भारत जोड़ो यात्रा में, बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्टीज है उन्होंने साथ नहीं दिया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है और महंगाई पूरे मुल्क में है, मगर जम्मू कश्मीर के मामला इसे अलग है, बहुत खतरनाक मामला है यहाँ के, तो इस हवाले से आप क्या कहने जाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आपकी भारत जोड़ो यात्रा का साथ दिया मगर बाकी पार्टीज ने साथ नहीं दिया, और दूसरी बात यहाँ के जो मामलात है वो दूसरों स्टेट से जरा मुख्तलिफ है। ये ले लें। देखिए भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेके यहाँ कश्मीर तक जितनी लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का पूरा साथ दिया। एनसी पीडीपी ही नहीं सही बल्कि लाल सिंह ने भी सपोर्ट किया, हमारे मुजफ्फर शाह साहब की जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने भी साथ दिया, वो भी लखनपुर में आए थे और कल भी हमारे साथ पेंथा चौक में ज्वाइन कर रहे हैं। शिवसेना आई उनने भी साथ दिया, इसी तरह से जेडीयू है, एनसीपी है, अलबत्ता कुछ पार्टियां हैं जिनकी लगाम हमारी रूलिंग पार्टी के हाथ में है तो शायद उनको वहां से चाबी होगी कि वहां नहीं जाइए, लेकिन हम चाहते थे वो भी ज्वाइन करे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जैसे कि रमेश जी ने कहा ये नॉन पॉलिटिकल है, इसका कोई अलायंस के साथ लेना देना नहीं, पीएजीडी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई इलेक्शन के साथ लेना देना नहीं, अलबत्ता जो राहुल जी ने जैसे मीर साहब ने कहा तीन मुद्दे थे जिसमें बेरोजगारी महंगाई और नफरत फिरका परस्ती, ये तीन चीजें, और हमने इसमें लखनपुर से एक और चीज जोड़ी जो हमारी स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया और दो हिस्से किए गए और इलेक्शन यहां पे हो ही नहीं रहा, नौवां साल चढ़ गया इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि स्टेट वापस दी जाए। और ये जो तीन मुद्दे राहुल जी के हैं क्योंकि जैसे मीर साहब ने कहा सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और कश्मीर में ज्यादा ही है क्योंकि यहां इंडस्ट्री तक नामो निशान ही नहीं है, कहीं जाए कहां, लोग सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर है नहीं, जाएंगे कहां। हेलो
वो तो फ्रस्ट्रेशन में है हमारे यूथ यहाँ पे, तो ये मसला है। बाकी जयराम रमेश जी, मैं इमरान नाइक को बात कर रहा हूँ, यहाँ से सर सर प्लीज आप तो कर चुके हैं। मैं इमरान नाइक हूँ कश्मीर न्यूज ब्यूरो से। जहाँ तक हम इस यात्रा को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, चार बातें। एक तो आप फैसिस्ट सिस्टम के खिलाफ यात्रा चला रहे हैं, दूसरा आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तीसरा आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में नफरत है। क्योंकि आज यात्रा हमारी कश्मीर वैली में है, तो हम कश्मीर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे। सवाल मैं पूछूंगा। यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया है 1947 से, और आज इतिहास में आप सुनिए ना सर, सवाल कीजिए, आज का सवाल कीजिए। 53 से 2022 तक हमने चीफ मिनिस्टर से एलजी और गवर्नर वगैरह, सवाल कीजिए। इस वक्त कांग्रेस का क्या विजन है जहां तक जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो का ताल्लुक है? मीर साहब ने आपको कहा है, मीर साहब ने आपको कहा है बिल्कुल स्पष्ट भाषा में हमारी प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू और कश्मीर को फुल फ्लेज्ड स्टेट रूल रिस्टोर करना जरूरी है, और उसके बाद इलेक्शन कराना जरूरी है विधानसभा के लिए। इससे और कोई साफ भाषा में और कोई जवाब नहीं दे सकता। सवाल कीजिए प्लीज, सवाल सवाल सवाल। सवाल कीजिए, ये सवाल का जवाब देखिए, ये मुझे डिरेल करने की और डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? और कोई सवाल? थैंक यू, कल मिलेंगे। थैंक यू।